आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय उकम सिंह कराड़ा जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित कृषि मंत्री सचिन यादव जी, जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सुखदेव पांसे जी, हमारे मंत्री आदरणीय प्रिय सिंह साहब और सुस्तेर के विधायक आदरणीय राणा विक्रम सिंह जी, इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे और लगातार आपके बीच में संघर्ष कर सेवाएं देते रहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी, मंचासीन आगर जिले के और विधानसभा क्षेत्र के सभी नेतागण उपस्थित, आगर जिले के सभी किसान बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे इस प्रदेश के नहीं, इस देश के गौरव आदरणीय कमलनाथ जी आगर जिले में पहली बार पधारे। एक बार आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, वंदन करें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथियों, आज आपके बीच में हनुमान जी के पुत्र, हनुमान जी के भक्त जो कि आपके बीच में आए हैं, वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए की सौगात को लेकर आए हैं। और आज उन्होंने शुरुआत की है बैजनाथ जी के पावन पवित्र मंदिर से, और वहां पर 5 करोड़ की राशि देकर उन्होंने भूमि पूजन करके आज आए हैं। साथियों, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने गौ माता के लिए हर पंचायत में गौशाला खोली है, और हमारे आगर जिले में, आगर विधानसभा में 30 गौशाला खोली और 50 गौशाला और खुलने जा रही है। एक साल के भीतर पूरे आगर जिले की एक एक पंचायत में गौशाला खुल जाएगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सोच है। साथियों, साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो एक साल हुआ है और आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जो कि किसानों हितैषी है, गरीब हितैषी है, मजदूर हितैषी है, युवा हितैषी है, उनका काम आपने देखा। अभी तो 15 साल बाकी है। साथियों, 15 साल वालों की तुलना करो और एक साल की तुलना करो और 4 साल पूरे हो जाने दो। अभी तो पिक्चर चालू हुई है, 5 साल में जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो आप देखना कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग कहते थे, उनकी कथनी और करने में कितना अंतर हो, हमारे मुख्यमंत्री जी की कथनी और करने में कितना अंतर है। आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे, पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ माननीय कमलनाथ जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कमलनाथ।